Inventory valuation is our topic. Yeah, this is not a very important topic of O levels or IGCSE, but we do have some questions coming in the papers. मैंने कहा चलो ये मैं करवा लेता हूँ क्योंकि MPO को तो मैं लेक्चर भेजने आपको लगा वो आप सुन के फिर आप आओगे फिर उसके बाद हम आगे कर लेंगे उसका तो ठीक है मंडे को कर लेते हैं मंडे से करा दूंगा हाँ रहने दो लेकिन क्लासेस तो लेंगे ना अगर मैडम ऑनलाइन तो नहीं ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा फिर संडे तक मंडे से फिर हम पास स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपने इसके अंदर लिखना है लिखिए मैं दिखाता हूँ हेडिंग देनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन और उसके नीचे लिखना आपने इन्वेंट्री इज वैल्यूड हेडिंग देनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन उसके नीचे लिखना आपने इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस Inventory is valued at cost or NRV, whichever is less. N capital R capital V. Inventory is valued at cost or NRV, whichever is less. NRV, NRV, net realizable value. ठीक है जी और नीचे inventory is valued at cost. और NRV whichever is less लिखने के बाद आप नीचे उसके लिखेंगे मैंने शो भी कर रहा हूं यहां पे कर्सर से net realizable value is market value minus any expense involved to put goods in a saleable position जी ये लाइन लिखनी है बिल्कुल ये लाइन ही लिखनी है आपने कि NRV is market value minus any expense involved to put goods into saleable suitable condition saleable condition actually inventory ke hawale se prudence concept ye kehta hai ki stock ya inventory should be valued at cost or market value in order to record unrealized losses rather than unrealized profits itne ki zarurat nahi hai stock sent on sale return basis is the stock of the firm stock received on return or sale basis is not to be stock of the फर्म ये भी आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है ओ लेवल से कोर्स में नहीं है सेल्स एंड सेल रिटर्न हैव टू बी एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग द सेलिंग प्राइस तो बाकी अब आगे हम इसे चलते हैं और सवाल की तरफ कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि स्टॉक को हम कैसे जो है वो हमने मेजर करना है वी कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट लिखा हुआ आपके सामने लिखा है ना कॉस्ट मीन्स cost means cost of purchase cost means cost of purchase carriage freight or any other charges to bring the goods into the factory or any other charges to bring the goods into the factory जी जी कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेज कैरेज फ्रेट एफ आर ई आई जी एच टी फ्रेट जी एच टी फ्रेट कैरेज को कहते हैं और एनी अदर ड्यूटी और एनी अदर ड्यूटी To bring the goods into the factory. To bring the goods into the factory. Explain the meaning of net realizable value. We have already discussed that. Which we have written. Net realizable value is minus. I have written for you. What is net realizable value? Net realizable value. Here, look, sir. Sir, sir, revenue is given to you. और आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया है इन्वेंट्री दी गई रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने निकालना है निकाल सकते हैं समस्या नहीं है सर कैसे निकालेंगे हम मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आपका क्या होता है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री
कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास सेल्स है 87,000 की, उसका 20% जो है वो प्रॉफिट है, 87,000 का 20% निकाल ले तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। वो आप 87,000 में से माइनस कर देंगे, आपके पास बाकी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी आपके पास 9,600। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। आप एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, वो हम निकाल लेंगे 6,000 प्लस 7,400 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 9,600 डिवाइडेड बाय 6,700। इसे डिवाइड कर देंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को, आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर आ जाएगा 69,600 से डिवाइड कर देंगे ना, को डिवाइड कर देंगे आप 6,000 10.388 आपका आंसर आ गया 10.39 times। This is the answer of inventory turnover ratio। हमने फैक्टर कर लिया, ये फॉर्मूले है ना हमारे, पहले हमने 20% निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 67,000 का। वो कहता है फिजान के सेल्स जो थी रेवेन्यू सेल्स जो कहते हैं, सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मैंने सेल्स 87,000 दी थी उसका 20% निकाल लिया, मैं ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास। फिर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 69,600 जो मुझे फॉर्मूले में पुट करने के लिए चाहिए, उसको डिवाइड करना है मैंने एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री यदि प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 6,000 प्लस 7,400 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर देंगे तो 10.39 टाइम्स आपका आंसर आएगा, जो कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर आपके पास जो है वो आ जाएगा। आई कहता है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाज बेटर इन 2011 देन इन 2010, सो जस्ट वन रीजन फॉर दिस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो टर्नओवर रेशियो का जो आंसर है, हमारा साल कौन सा अभी 11 है, 11 में बेहतर रेवेन्यू का से क्या होता है, वी आर एबल टू कन्वर्ट इन्वेंट्री इनटू सेल्स में की, ठीक है ना, मे बी बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी आर गॉन फॉर मोर एडवर्टाइजमेंट दैट्स व्हाई द टर्नओवर रेशियो इज हाई है, या क्वालिटी गुड्स की बेहतर हो गई तब भी ज्यादा चीज बिक रही है, आपकी सेल्स बढ़ गई, सारी चीजें हो सकती है। Because the state one factor that Tania Yusuf should consider before comparing the result of her business with those of another business. कौन सा factor वो करेगी दूसरे business से compare कर? Business should be of similar type and the size should be also the same. Greenwall Academy किसी मोहल्ले की छोटी academy के साथ comparison तो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते obviously, ठीक है ना? Similar business should be similar, scope के साथ कर सकते हैं, should be similar. नहीं होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। आगे स्टेट टू रीजन व्हाई तानिया यूसुफ इज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स ऑफ हर क्रेडिट कस्टमर्स सो दैट ही मे बी एबल टू नो दैट कस्टमर्स आर एबल टू मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट एंड टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कस्टमर्स देयर एबिलिटी टू मेक द पेमेंट चेक करने के लिए हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। चलिए हमें क्या वो हमें पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जी 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 मैं बता रहा हूँ अभी आपको असल सवाल आया है एंट्री का, देखिए
Sue is a trader. Her financial year ends on 31st December. She provided the following information about her inventory for the financial year ended 31st December. Inventory January कितनी दी हुई आपको? फिजान कितने की है? 1800 और NRV कितनी दी हुई? 7100. Inventory 31st December कितनी दी हुई? 8200 और ये कितनी हुई? 2800. Define the following terms: cost, net present value. वो हमने कहा चुके already. अब हम इन्वेंट्री को किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे? ये है सब बात. हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे इन दोनों में से जो कॉस्ट क्या होगी? कम होगी. इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लेस. इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लेस. दोनों में से कम कौन सा था? 6800 का. ये लेंगे. नीचे वाले में से कम कौन सा है? 7800 plus 7800 that will be the value of your inventory. और अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम इन्वेंट्री की वैल्यू कौन सी लेते हैं जो दोनों में से क्या होती है? कम होती है. दोनों में से लेस होती है. किसकी? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लेस. कम होगा उस पे आगे देखते हैं. नेक्स्ट है जी, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इन्वेंटरी ऑन 1st January हैड बीन इंक्लूडेड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू. 1st January की इन्वेंटरी को आपने एनआरवी पे रिकॉर्ड कर दिया. इसी चलते हैं वापस. 1st January को हमने इन्वेंटरी किस पे रिकॉर्ड करना था? कॉस्ट पे, क्योंकि कॉस्ट एनआरवी से क्या है? कम है. कितने से? 1st January की इन्वेंटरी को हमने इन दोनों में से किस पे रिकॉर्ड करना है? 6800 पे. आपने गलती से किस पर रिकॉर्ड कर दी है? 7100 पे. उससे क्या होगा? कितना फर्क पड़ता है? डिफरेंस कितना है? 300 का. तो 300 से क्या होगा? नीचे आए, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? ओवरस्टेट हो जाएगी. और आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अंडरस्टेट हो जाएगा. प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेट हो जाएगी. सर कैसे? मैंने ओपनिंग इन्वेंटरी में क्या लिखना था? मैंने ओपनिंग इन्वेंटरी में लिखना था 6800. मैंने कितना लिख दिया? 70. कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो गई? होलसेल हो गई. और कॉस्ट से ज्यादा होने की वजह से जीपी क्या हो जाएगा? कम. और नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? समझ आ गई? सेट द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट टू नेट टर्नओवर रेशियो. ये बता चुका हूं आपको पहले ही. मैं आपको अच्छी तरह इसके बारे में पता है. आगे देखते हैं जी. Compare the table by placing a tick in the correct column to indicate the effect of ISAG undervaluing the inventory. अगर value inventory की कम record करें, closing inventory की बात हो रही है, inventory की value हम क्या लिखें? कम लिखें, तो क्या होगा? Gross profit for the year ended 31st July क्या हो जाएगा? Closing inventory कम लिखोगे आप, तो cost of sales क्या हो जाएगी? ज़्यादा. और profit क्या हो जाएगा? कम. अंडरस्टेट हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे? नहीं, इन्वेंटरी की वैल्यू अब क्या लिख रहे हैं? कम लिख रहे हैं ना. करंट एसेट्स भी अंडरस्टेट हो जाएंगे. सही है ना. कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? ओवरस्टेट. और प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या हो जाएगा? अंडरस्टेट. ये सारी चीजें आपको इस तरीके से सवाल आता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन. ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा. सुन लो, आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी को कम लिखा है. क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस होगी. इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री कम माइनस हुई. जब वो कम माइनस हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट सेल बढ़ गई है ज्यादा. ओवरस्टेट कर गया. ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टेट कर गया. प्रॉफिट भी अंडरस्टेट कर गया. करंट एसेट्स भी अंडरस्टेट कर गया. कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेट कर. ओके, समझा गई है? बस यही क्वेश्चन थे इसके इन्वेंट्री वैल्यूएशन के साथ से जो पेपर में
आए थे, मैंने कहा इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको जो है वो दे दूंगा। और कोई देख सकता हूँ क्वेश्चन अगर शुरू में नजर आता है कुछ, ये वाला ये देखिए जी, डी पार्ट इसका कहते हैं जी, कुलजीत सिंह इंक्लूडेड द इन्वेंट्री एट कॉस्ट प्राइस इन हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2010 एंड 31 जुलाई 2011। उसने किस पर रखी है इन्वेंट्री को, रखा है किस पर, कॉस्ट पर रखा है। तो पहले 10-11 की देख लेते हैं, पीछे कुछ दिया है बोर ऑफ कॉस्ट, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ, बटा है ना सवाल, हिसाब से देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर वो कह रहे हैं 250 से क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर ओवरस्टेट हो जाएगा तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाएगा, करंट एसेट जो है वो अंडरस्टेट हो जाएंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी ओवरस्टेट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली प्रॉफिट्स होता है ना, कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट, हमने ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पॉइंट है वो हमने जो है वो डिस्कस किया है।